एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मेरेचा। दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए करवा चौथ का बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद हमें स्किन केयर करना है, उसके लिए मैंने लिया है द मॉम्स को का ये नेचुरल सेरामाइड फेस टोनर विथ राइस वाटर एंड लिकोरस एक्सट्रैक्ट। ये हमारे पोर्स को टाइट करता है एंड फेस को मॉइस्चराइज भी रखता है। तो इसको अप्लाई कर लें अच्छे से और उसके बाद इसको डैबिंग मोशन में इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करें। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ये राइस वाटर एंड नायासिनामाइड 10% सीरम, फेस सीरम। इसको अपने फेस पर कुछ डॉट्स में अप्लाई करेंगे और इसको भी अच्छे से हम अपने फेस के अंदर अब्जॉर्ब करवाएंगे। तो ये जो है प्लम का मैंने सीरम यूज़ किया, ये भी बिल्कुल नॉन ग्रीसी है एंड आगे भी हमारा फेस बिल्कुल ग्रीसी ना रहे उसके लिए मैं आपको एक और जो है प्रोडक्ट सजेस्ट कर रही हूँ, वो है ये प्लम का राइस वाटर एंड नायासिनामाइड 2% नायासिनामाइड क्लियर मॉइस्चर जेल क्रीम। ये इतनी लाइट वेट जेल क्रीम है ना कि बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चलता है कि हमारे फेस पर हमने कुछ अप्लाई किया है, बट अच्छे से हमारे फेस को मॉइस्चराइज भी रखती है और एकदम भी चिपचिपाहट नहीं करती है। अभी चाहिए करवा चौथ पे हमें अपने फेस पे खूब सारा ग्लो, तो इसके लिए मैंने लिया है ये ममा अर्थ का डेली ग्लो लूमी क्रीम और ये हमारे फेस को एकदम मस्त ग्लोई बना देता है। तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया है और आप देखोगे अभी कि जैसे ये एब्जॉर्ब होती है हमारे फेस पर कितना अच्छा सा ग्लो क्रिएट करती है। करवा चौथ के स्पेशल डे पर इसको यूज़ करके आप भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल नज़र आने वाले हो। तो ये देखिए कितना अच्छा ग्लो दिया है इसने, एकदम परफेक्ट। इसके बाद मैं यहाँ पर डॉट एंड की का ये लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, ये चेरी पॉप इसका शेड नेम है और काफ़ी अच्छा सा ये पिंकी थोड़ा डार्क पिंक सा शेड दे देता है हमें और काफ़ी अच्छे से नरिश भी रखता है लिप्स को। तो बस हमारा स्किन केयर हो जाता है कंप्लीट। चलिए चलते हैं मेकअप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अप्लाई किया है प्राइमर जो कि है इनसाइड का और इसको अप्लाई करके अपने फेस पर थोड़ा सा पुश करते हुए इसको हम अप्लाई करेंगे। तो पूरे फेस पर इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर फाउंडेशन में ये फेसेस कैनेडा का ऑल डे हाइड्रा मैट फाउंडेशन, 3-in-1 फाउंडेशन है ये। इसमें आपको मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन एंड फाउंडेशन तीनों का ही कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसमें आपको विटामिन सी एंड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स भी मिल जाएंगे एंड जैसे मैंने बताया इसमें सनस्क्रीन है तो इसमें आपको SPF 30 भी मिल जाता है। इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने एक ब्यूटी स्पॉन्ज लिया है जिसको मैंने वेट करके अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा ये कवरेज देने वाला फाउंडेशन है एंड बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है और काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगता है इसको लगाने के बाद फेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। इसमें जो मेरा शेड है वो है वार्म नेचुरल 021। तो देखिए कितना अच्छा कवरेज आ गया और ग्लो भी कितना अच्छा आ गया है जो हमने लूमी क्रीम यूज़ करी उसकी वजह से। इसके बाद मैं माई ग्लैम का ये सुपर सीरम कंसीलर ले रही हूँ, उसको अपनी अंडर आइज़ पर और आईलिड्स पर अभी मैंने अप्लाई किया है एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 102 गोल्डन। अच्छे से इसको हम एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे और इसको मैंने माउथ के अराउंड एंड ब्रिज ऑफ नोज़ पर भी अप्लाई कर लिया है, वहाँ पर भी इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हल्का सा फोरहेड पे अप्लाई करेंगे और वहाँ भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये लीजिए मेकअप में हमारा बेस लगभग रेडी है। इसको सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर, तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर लैक्मे का 925 फ्लॉलेस मैट कॉम्प्लेक्शन कॉम्पैक्ट पाउडर और इसका जो मेरा शेड है ये है मेलन मैट। तो इसको मैं एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से पूरे फेस एंड नेक पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है ये ब्रॉ पैलेट जो कि है मार्स का और अभी रिसेंटली मैंने इसका रिव्यू आप सबके साथ शेयर किया है। तो इसका ये डार्क ब्राउन वाला शेड लेके मैं अपनी आईब्रोज इससे फिल कर रही हूँ और देखिए कितनी अच्छी नेचुरल सी आईब्रोज नज़र आ रही हैं। इसके साथ मिली हुई स्पूली के साथ मैंने आईब्रोज को सेट भी कर लिया है। तो ये हो गया। अभी इसी पैलेट में से जो ये लाइट ब्राउन वाला शेड है इसको लेके मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी। तो आपको अलग से कॉन्टोरिंग जो है पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये ले लेते हो तो आप इस पैलेट से कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो। तो देखिए कितनी अच्छी नेचुरल सी कॉन्टोरिंग हो रही है और कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं फेस की प्रॉपर मैंने डिटेल वीडियो अभी रिसेंटली शेयर किया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अच्छे से कॉन्टोरिंग मैंने फेस की कर ली है, अभी नोज़ की कॉन्टोरिंग पे आते हैं। तो हल्के हाथों से आप देखिए करेंगे कॉन्टोरिंग तो कितना अच्छा शार्प सी नोज़ दिखाई देती है। तो बिल्कुल आप चेकआउट करिएगा वो वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया है। इसके बाद मैंने लिया है ये माई ग्लैम का हॉट मेस आई शेडो पैलेट और इसमें चार शेड्स आते हैं। इसका मैं ये हॉट पिंक वाला शेड ले रही हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस भी आज हॉट पिंक शेड में है।
तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया अपनी लिड्स पर, और इस तरीके से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप पूरी लिड पर अप्लाई कर लीजिए, जहाँ तक मतलब आपकी आँखें खुलती हैं उतना, ये नहीं आप पूरे में अप्लाई कर लो आइस पर। और इसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश लेंगे और उसमें इसमें दिया हुआ येलो शेड पिक करूंगी मैं, और उसको हम क्रीज के तरफ जो है इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जो इसका पिंक वाले का एक आउटर लाइन है ना बिल्कुल ऊपर के साइड में, उसके साथ मिलाते हुए ये येलो शेड को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जिससे कि बीच में एक ट्रांजिशन आ जाएगा आपका। तो ये हो गया। इसके बाद एक डेंस पेंसिल ब्रश लेंगे और उसमें हल्का सा बिल्कुल पिंक शेड लेंगे, बहुत हल्का सा लेना है, तो बिल्कुल बीच वाली लाइन जहाँ पर येलो और पिंक मिल रहा है वहाँ पर हम इसको अच्छे से चलाएंगे और ब्लेंड करेंगे, जिससे कि बीच में वो पिंक की लाइन ना दिखाई दे। तो बस ये ब्लेंडिंग हमारी हो गई है। टाइम मुझे लगा है यहाँ पर आपको कम टाइम दिख रहा होगा, बट इसको ऑफ द कैमरा मैंने काफ़ी देर ब्लेंड किया है। अभी मैंने ये ग्लैम 21 का ग्लिटर आई शेडो पैलेट लिया है और इसका ये मैं पिंक शेड ले रही हूँ, और इसको मैं मिडिल से लेके आउटर कॉर्नर तक हल्का हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद ये एक थोड़ा सिल्वर काइंड ऑफ शेड है, थोड़ा रोज़ गोल्ड सिल्वर काइंड ऑफ शेड है, इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पर आइज़ के अप्लाई करूँगी। तो बिल्कुल ओवरलैप ज़्यादा नहीं करें, बट इसको इनर कॉर्नर पर और पहले वाले को मिडिल से लेके आउटर कॉर्नर तक अप्लाई करेंगे। और याद रखिएगा, जितनी आईज़ आपकी खुलती हैं सिर्फ वहीं तक अप्लाई कीजिएगा, पूरा ऊपर तक मत करिएगा, वरना कई बार बीच में जहाँ पर आपकी क्रीज आती है वहाँ पर इसकी एक लाइन सी बन जाती है। तो इस तरीके से मैंने आई मेकअप कर लिया है। और एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई मेरे साथ कि जब मैंने अपना जो है काजल और लाइनर वगैरह अप्लाई किया तो फिर कैमरा शायद ऑफ रह गया था, तो मैं मेकअप कर चुकी थी एक तरफ, दूसरी तरफ मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरीके से आपको अपनी लोअर एंड अपर वाटर लाइन पर काजल लगाना है और काजल को थोड़ा थिक अप्लाई करना है लोअर वाटर लाइन पर। इसके बाद जो ये आईब्रो पैलेट लिया था उसका ये जो ब्राउन शेड है और ब्लैक शेड थोड़ा सा मिक्स करके हमको काजल के नीचे इस तरीके से स्मच करना है, थोड़ा सा स्मोकी लुक भी आएगा और इससे आपका जो काजल है वो फैलेगा भी नहीं, वहीं पर सेट हो जाएगा। अब लाइनर के लिए मैंने लिया है लैक्मे का ये आईलाइनर और इससे मैं एक विंग लाइनर जो ड्रॉ कर रही हूँ। आईलाइनर को भी आप परफेक्टली कैसे लगा सकते हो अगर आप नहीं लगा पाते हो तो उसका भी रिसेंटली मैंने वीडियो शेयर किया है, उसको भी आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए हो गया हमारा जो है आईलाइनर कंप्लीट। अब मैं लगा रही हूँ मार्स का ये फैबुलैश मस्कारा और इसकी दो दो कोट मैं अप्लाई करूँगी, और इसके बाद मैं फॉल्स आईलैशेस भी आज यूज़ करने वाली हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर मस्कारा लगा के ही कर देती हूँ ख़त्म अपना आई मेकअप, बट आज मैं लगाऊंगी, बट वो मैं ऑफ कैमरा लगाऊंगी, तो आप लुक देखना आगे कैसा आ रहा है। यहाँ पर मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का क्रीम एंड टिंट जो है, जो ब्लश जो आता है वो मैंने लिया है। इसमें जो मेरा शेड है वो है स्ट्रॉबेरी सिजल, तो बहुत अच्छा सा मतलब एकदम नेचुरल सा लुक आता है इससे। तो मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है अपने चीक्स पर अप्लाई करके। और इसके बाद मैंने हाइलाइटर के लिए लिया है माई ग्लैम का ये पोज HD हाइलाइटर डुओ, और इसका जो लाइट शेड है एक शैम्पेन शेड, उसको मैं अपने फेस के हायर पॉइंट्स पर अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने कहाँ कहाँ पर इसको अप्लाई किया है। तो हाइलाइटर भी हो गया और अब आ जाते हैं लिपस्टिक पर। तो लिपस्टिक के लिए मैंने ली है लॉरियल रूज सिग्नेचर की ये लिपस्टिक आई रिप्रेजेंट, इसका शेड है 114। तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया है और मेकअप हो जाता है कंप्लीट। कैसा लगा आपको ये लुक मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड लुक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।